Hello everyone, welcome once again, and this is the last video for this citizenship. And in this video we will be discussing that how one person can lose his citizenship of Indian, or you can say Indian citizenship. ठीक है, इसके तीन तरीके हैं. पहला renunciation, second is termination, third is deprivation. मतलब पहले का मतलब क्या है, यदि कोई पर्सन खुद ही voluntarily declare कर दे कि मेरे को छोड़नी है भारत की नागरिकता, तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा. ठीक है, लेकिन यदि वॉर सिचुएशन के अंदर, यदि ड्यूरिंग द वॉर इफ़ ए पर्सन रिनाउंस दैट ही इज़ नॉट ए ही इज़ नॉट कंटिन्यूइंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, देन ही हैज़ टू टेल द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट. तब सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर वर्क करेगी. अब वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, ये चीज़. सेकेंड इज़ टर्मिनेशन. यदि कोई पर्सन किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ले, फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन एक्स ए एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो, कोई पर्सन ए है, इसने जाके यूएसए की नागरिकता ले ली, ही नाउ ही हैज टेकन द सिटीजनशिप ऑफ यूएसए, देन ऑटोमेटिकली हिज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया विल बी टर्मिनेटेड. नेक्स्ट इज डिप्राइवेशन. इसका मतलब होता है वंचित करना. मतलब सरकार किसी भी इंसान को उसकी जो सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप है, उसको वंचित कर सकती है कुछ केसेस के अंदर. वो केसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि उसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया हो. ठीक है, उसको प्रॉपरली उसके उसके लिए डिसलॉयलिटी शो की हो, और उसने जो सिटीजनशिप है, इंडिया की सिटीजनशिप, किसी फ्रॉड तरीके से हासिल कर ली हो. ठीक है, और द सिटीजनशिप हैज़ बीन अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड टू द एनिमी विद वॉर. यदि कोई भी वॉर सिचुएशन है हमारे देश में किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, और उसने उस एनिमी कंट्री के साथ कम्युनिकेशन किया हो, तो उसकी नागरिकता जा सकती है. और वो किसी देश के अंदर बिना बताए इंडियन इंडियन गवर्नमेंट को 7 साल तक रह रहा है. ठीक है, आउट ऑफ इंडिया ही इज़ लिविंग विदाउट टेलिंग द एग्जैक्ट रीज़न, विदाउट टेलिंग एनी रीज़न टू द गवर्नमेंट. If he is living for more than 7 years, so उसकी वो चली जाएगी. ठीक है, और यही सब है. और अब प्रीलिम्स से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं. एक क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन जो प्रेजिडेंट होता है, वो बाय बर्थ या बाय नेचुरलाइजेशन, दोनों तरह से यदि किसी आदमी ने सिटीजनशिप ली हुई है, चाहे वो बर्थ से ली हो, बाय बर्थ हो या बाय नेचुरलाइजेशन, ही कैन बिकम द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. बट इन यूएसए पर्सन हैज़ टू बी बोर्न इन यूएसए. ठीक है, ही हैज़ टू बी द सिटीजन ऑफ यूएसए बाय बर्थ. नेचुरलाइज सिटीजन आर नॉट अलाउड टू द पोस्ट ऑफ वाइस टू द प्रेजिडेंट, बट इन इंडिया इट इज़ देयर. So that's all for this video, and we will be starting or you can say continuing this series along with our math series. I will be uploading the math lecture by tomorrow morning. Okay, that's all for this video, and thank you for watching it.